इस वीडियो में हम आपको महाराणा प्रताप के चरित्र चित्रण के बारे में बताएंगे। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, सबसे पहले मैं उसको बता दूं। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए, या मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक कौन हैं, उनके चरित्र की तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके आंसर में आपको क्या लिखना है मैं आपको आगे बताता हूँ। महाराणा प्रताप मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक हैं। कवि ने इस काव्य में भारतीय इतिहास के विख्यात महापुरुष महाराणा प्रताप के त्याग, संघर्ष, देशभक्ति, उदारता और बलिदान का चित्रण किया है। वे हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर से पराजित होकर अरावली के सघन वनों में भटकते हुए भी अपनी प्यारी मातृभूमि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए साधन की खोज करते रहते हैं। राणा प्रताप के इन गुणों को अपनाने हेतु प्रेरित करना ही कवि का उद्देश्य रहा है। महाराणा प्रताप के चरित्र में निम्नवत विशेषताएं हैं। स्वतंत्रता प्रेमी। स्वतंत्रता के प्रति प्रेम प्रताप के रूम रूम में व्याप्त है। भारत के सभी शासक अकबर के शक्ति के कारण उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वह जब तक सांस है स्वतंत्र रहूंगा, दास नहीं हो सकता कहते हुए पराधीनता स्वीकार नहीं करते और पराजित होकर अरावली की पहाड़ियों में भटकते रहते हैं और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए युक्ति सोचते रहते हैं। देशभक्त। प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए यानी मेवाड़ की आज़ादी के लिए अरावली की घाटियों में भटकते हुए भी अपने कर्तव्य से नहीं हटते। वे अपना सर्वस्व गवा कर भी मातृभूमि की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। उन्हें मेवाड़ से, वहाँ की धरती से, नदी पर्वतों से और वनों मैदानों से भी असीम प्यार है। वे देश की स्वतंत्रता व सेवा का आमरण व्रत लिए हुए हैं। उदार और भावुक हृदय। प्रताप का हृदय अत्यधिक उदार है। वे शत्रु की कन्या दौलत को भी पुत्रवत पालते हैं। अपने भाई शक्ति सिंह के अकबर से मिल जाने पर भी वे उसे उसकी मूर्खता ही मानते हैं और उसे क्षमा कर देते हैं। उनके शब्दों से भाई के प्रति उसकी सहृदयता झलकती है। मेरा ही है, मुझसे दूर कहाँ जाएगा। इसी प्रकार घोड़े चेतक की मृत्यु पर वे बहुत शोक विह्वल हो उठते हैं। वे अकबर के मित्र पृथ्वीराज और भामाशाह से भी आत्मीयता से मिलते हैं। स्वाधीनता। राणा प्रताप में क्षत्रियोचित स्वाभिमान विद्यमान है, इसलिए भामाशाह के द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए जाने वाले अपरिमित धन को स्वीकार करना वे अपनी स्वाधीनता के विरुद्ध मानते हैं। राजवंश के द्वारा दिए गए धन को भी स्वीकार करना वे उचित नहीं मानते। दृढ़ प्रतिज्ञ। राणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक शरीर में श्वास है, मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करने का प्रयास करता रहूंगा। राणा प्रताप अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सिंधु देश में जाकर धन और सैन्य संग्रह करते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को कार्य रूप देने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। धैर्यवान महाराणा निर्भीक, साहसी और धैर्यशाली हैं। वे दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी शत्रु के सामने नहीं झुकते। वे कंदमूल फल खाकर और भूमि पर सोकर भी धैर्य नहीं छोड़ते। राणा प्रताप का हृदय अत्यंत उदार एवं विशाल है। वे शत्रु पक्ष की कन्या दौलत को शरण देते हैं और उसे अपने पुत्र के समान ही पालते हैं। पराक्रमी। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की ओजस्विता दर्शनीय है। वे युद्ध स्थल में शत्रुओं को धराशाही करने में पूर्ण सक्षम है। वे अपरिमित सैन्य शक्ति संपन्न अकबर से युद्ध करते हैं तथा उसकी सेना के दांत खट्टे कर देते हैं। उनके पराक्रम का लोहा स्वयं अकबर भी मानते हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रेमी, देशभक्त, उदार हृदय, त्यागी, दृढ़ प्रतिज्ञ, निर्भीक और स्वाभिमानी लौह पुरुष हैं। वे भारतीय इतिहास में सदैव वंदनीय रहेंगे।